व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में आपका भाई कुछ इसी टाइप की फोटो ही नहीं करके सिखाने वाला है जैसे ना आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। गाइस आज के वीडियो में आपका भाई सिखाएगा कैसे आप अपने फेस को जो है ना दूध की तरह व्हाइट कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं एंड अपने हेयर पे वाइल्ड पेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपने कपड़े कलर चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस देख लीजिए यहाँ पे इसका नोरा फोटो है। तो गाइस देख लीजिए फेस कितना बेकार सा लग रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कपड़े का भी कलर यहाँ पे गलत है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड गाइस देख लीजिए इसे फोटो को यहाँ पे लेट गए हैं, तो आप देख लीजिए फोटो जो है ना कितना हाई एचडी बन के आया है। तो अगर आपको भी मेरे साथ कुछ इसी टाइप की फोटो नहीं सीखना है तो अगर आज का वीडियो आप बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आप भी कुछ इसी टाइप की एडिटिंग बहुत ही कम टाइम में सीख जाएंगे। एंड इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं यही फोटो से सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं स्टार्ट। तो सिंपली इस क्या करेंगे, आएंगे नॉर्मल फोटो पर, आपको एक एक स्टेप बताएंगे, आज वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। सिंपली सब अपने फोटो को लेकर चलेगा स्नैपशीट ऐप के अंदर, आपको बहुत ही कम टाइम में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपको अपने फोटो को लेकर आ जाना होगा स्नैपशीट ऐप के अंदर, ठीक है। और आने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूंगा, टूल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड इसमें हीलिंग वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं क्लिक कर दूंगा। और इसमें यहाँ से अपने फेस के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आप भी इससे मेरे जैसे आराम से कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, जितना हो सके उतना आराम से, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से कर लेता हूँ। एंड इसमें क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा और भी करूँगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से, मतलब जितना हो सके उतना आराम से कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग नॉर्मली तरीके से कीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक स्टेप, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से क्या करूँगा, पूरा ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है, पूरा मतलब यहाँ से, मतलब इसको हम पूरा कर देंगे, ठीक है, आराम से, मतलब घबराइएगा नहीं, आराम से जितना हो सकेगा उतना आराम से, ठीक है। तो मैं अभी किया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, मतलब जो बैकग्राउंड है कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पर इसको इरेज कर लीजिएगा, जितना मतलब पार्ट है इसको आप लोग आराम से इरेज कर लीजिएगा। इसमें इरेज कर लिया हूँ, ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे इरेज हो चुका है, फोटो को राइट कर लेंगे। एंड इसमें फोटो को राइट कर लिया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देर सर्चिंग लेंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है, वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बने थे तो आप भी मेरे जैसा एडिटिंग बहुत ही कम टाइम में सीख जाएंगे। तो मेरा बैकग्राउंड कुछ स्टेप से रिमूव होकर आ चुका है। एंड टूल्स पे आएंगे, एंड किस थोड़ा सा यहाँ पे लेंस ब्लर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको लाइक देंगे कोने के में, मतलब कोने में, और इसका ब्लर स्टेन को पूरा 100 करेंगे, नीचे आएंगे इसको 70 जो है इसको हम लोग 0 कर लेंगे, नीचे आएंगे इसको भी हम लोग पूरा 0 कर देंगे, और यहाँ से राइट कर लेंगे। एंड ये सब क्या करेंगे, फिर से टूल्स लेंगे, अब आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, डबल एक्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा। मैं क्लिक करता हूँ प्लस क्लेट पे, मैं गाइस क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और गाइस मैं यहाँ से अपने फोटो को ऐड कर लूँगा। देख लीजिए मेरा फोटो यहाँ पे आ चुका है, आप अपने नॉर्मल फोटो को ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोटो को फिर से हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, घबराइएगा नहीं, जितना उसे उतना आराम से, ठीक है। और फोटो को ऐड करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, अब आपको करना है क्या, ऑपसिटी वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा और इसको पूरा 100 करके फोटो को डन कर देना होगा। अब इस देख लीजिए फोटो का लुक कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर से आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली तीर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूँगा। एंड इसमें क्लिक करूँगा, व्यू एडिट पे आऊँगा, डबल स्ट्रोक ब्रश पे क्लिक कर दूँगा और मैं सिंपली इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगा एक बार, इस वाले ऑप्शन पर देख लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे एंड फोटो को जूम करेंगे। इतना काम करने के बाद फोटो को जूम करेंगे, इसको पूरा 0 कर लेंगे। 0 करने के बाद क्या करेंगे, आराम से मतलब जितना आपको ब्लर पार्ट करना होगा अपने बैकग्राउंड को, आप लोग आराम से यहाँ से ब्लर कर लीजिएगा। सिम आपका भाई जैसे करा है तो आराम से थोड़ा सा टाइम लेकर अपने बैकग्राउंड को आप लोग ब्लर कर लीजिएगा। सिंपली किस अभी आप लोग देख लीजिए जो मतलब बैकग्राउंड है इस तरीके, इसको मैंने पूरे तरीके से ब्लर कर लिया। मैं फोटो को राइट कर लेंगे एंड यहाँ से बैक पे क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, फिर से हम लोग टूल्स से आएंगे एंड किस टूल्स पे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट टूल वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से करेंगे, इसको पूरा मतलब ब्राइटनेस को प्लस करेंगे एंड फोटो को राइट करेंगे। फिर से टूल्स पे आएंगे एंड सेलेक्ट पे आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ पे रखने के बाद ब्राइटनेस को प्लस करेंगे इस तरीके से, ठीक है, एंड फोटो को डन कर लेंगे। तो देख लीजिए अभी बिफोर में फोटो कैसा था एंड आफ्टर में फोटो कैसा है, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। एंड इस फोटो को यहाँ से अब आप लोगों को सेव कर देना होगा, बस इतना काम आपको कर देना होगा। एंड यहाँ से अब अपने फोटो को सेव सेव कर लीजिएगा। कि फने दे झूले मैया मोने तेरे दीवाने,
तो गाइस फोटो सेव हो चुका है एंड फोटो को सेव होने के बाद हम लोग यहाँ से लाइटरूम ऐप के अंदर फिर फोटो को भेज लेंगे। ठीक है, तो आपका फोटो लाइटरूम के अंदर जैसे ऐड होगा आपको यहाँ पे एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इस पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा, मैं सीधा लाइटरूम ऐप के अंदर पहुँच जाऊंगा एंड गाइस मेरा फोटो यहीं पर शो करेगा, सेम आपको मेरे जैसा करेगा। तो इस पर आप लोग सिंपली क्लिक कीजिएगा, मैं अभी क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अपने फोटो पर क्लिक करता हूँ और इसमें क्या करूँगा, सिंपली आऊँगा कलर वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन आपको मिलेगा तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा एंड इसमें मिक्स टूल पे एक बार क्लिक करूँगा, सिंपली मैं क्लिक करूँगा और गाइस मैं इस वाले ऑप्शन पे आऊँगा। ठीक है, मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा एंड गाइस मैं इसका जो मतलब यहाँ पे इसका ब्राइटनेस सॉरी सिचुएशन है 65 डिग्री माइनस करेंगे, इसका जो लिमिट है हम इसको मिले यहाँ से यहाँ प्लस करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से 75 डिग्री प्लस करेंगे एंड गाइस क्या करेंगे सिंपली हम लोग इस ब्राइटनेस पे आएंगे। ठीक है, तो इसका सिचुएशन मैनेज करेंगे, इसका ह्यू मैनेज करेंगे, इस पर आएंगे मतलब सेम कर देंगे और इस पर आएंगे इसका भी मतलब सेम कर देंगे, तो जो फोटो होगा पूरा पूरे तरीके से ब्लैक हो जाएगा एंड थोड़ा सा आपको रेड वाले टोन पे आ जाना होगा। सिंपली है कि थोड़ा सा ये एंड सिचुएशन को थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा यहाँ से 44 के करीब एंड फोटो को यहाँ से डन कर लेना होगा। गाइस मैं फोटो को डन कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा इफेक्ट टूल वाले ऑप्शन पे आऊँगा, इन क्लियरिटी को थोड़ा सा प्लस करूँगा 22 के करीब। तो गाइस देख लीजिए यहाँ से बिफोर में एंड आफ्टर में गाइस यहाँ से अपने फोटो को देख सकते हैं एंड इस फोटो को हम लोग सिंपली यहाँ से शेयर कर लेंगे, यहाँ से स्केचबुक ऐप के अंदर सिंपली फोटो को मैं अपने शेयर करूँगा। ठीक है गाइस, तो मैं अपने फोटो को सिंपली हम लोग शेयर करेंगे स्केचबुक ऐप के अंदर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे जो मेरा फोटो होगा यहाँ पे गाइस आ जाएगा। ठीक है गाइस, आने के बाद क्या करेंगे अपने फेस को सबसे पहले अभी स्मूथ कर लेंगे एंड इसमें स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे सिंपली आएंगे यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पर गाइस मैं आऊँगा एंड थोड़ा सा मैं नीचे करीब आऊँगा एंड इसमें क्या करूँगा स्मूथ वाला ऑप्शन देख लूँगा यहीं पर। ठीक है एंड यहाँ पर आपका ब्रश मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस ब्रश को सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड इसमें सेटिंग पे आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें सेटिंग पे आऊंगा और इस ब्रश का सेटिंग देखूंगा। ठीक है, तो सेटिंग को 4 एंड फॉलो को 4, स्टेन को 4, स्टेन को सेम एंड इसका जो साइज है ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो मैं इसको 33 के करीब करके यहाँ से कट कर देता हूँ और इसमें क्या करूँगा अपने फेस के ऊपर अपने ब्रश को अप्लाई करूँगा। तो जस्ट मैं अपने फेस के ऊपर अपने ब्रश को अप्लाई करूँगा तो फेस जो है ना स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देख लीजिए फेस का इतना हाई स्टे स्मूथ रहा है, मैं थोड़ा सा साइज को प्लस करता हूँ एंड मैं अपने फेस को स्मूथ कर लूँगा आराम से, जितना हो सकेगा उतना आराम से मैं अपने फेस को मतलब कि स्मूथ कर लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। सिंपली गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब मान लीजिए देख लीजिए मेरा जो फेस है ना बहुत हाई स्टी स्मूथ हो चुका है। आप लोग जूम करके भी देख लीजिए फोटो कितना हाई स्टी स्मूथ हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना काम कर देना होगा एंड आपको क्या करना होगा अपने शॉर्ट के कलर जो है ना आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली थोड़ा सा लेयर वाले ऑप्शन पे आना होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे और प्लस पे क्लिक करके एक यहाँ पे न्यू लेयर को क्रिएट करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड मैं नॉर्मल पे आऊँगा और डार्कन पे मैं क्लिक कर दूँगा एंड इसमें यहाँ से कट कर लूँगा और ड्रो कर दूँगा एंड इसमें थोड़ा सा ब्रश वाले ऑप्शन पे आऊंगा और लाइब्रेरी पे क्लिक कर दूंगा एंड मैं थोड़ा सा नीचे करीब आऊंगा। ठीक है, और इसमें इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ मिलेगा एंड गाइस आपको यहीं पे ये वाला ब्रश मिल जाएगा, तो इसको मैं सिंपली सिलेक्ट करूंगा एंड मैं सिंपली आऊंगा सेटिंग पे। ठीक है, मैं अभी सेटिंग पे आ जाता हूँ, जो इसका ऑपसिटी होगा पूरा 100 करेंगे, इसका जो साइज होगा ये मैं यहाँ से 15 डिग्री कट करूँ, यहाँ से मैं कट कर दूंगा एंड गाइस मैं कलर पर आऊँगा और गाइस आपको यहाँ से जौन सा भी कलर अपने शॉर्ट रखना चाहते हैं हरा पीला मतलब यहाँ पे बहुत सारा कलर है आप जौन सा भी रखना चाहते हैं, मैं रेड कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। इसमें रेड करने के बाद क्या करूँगा आराम से अपने शॉर्ट के ऊपर अपने कलर्स को अप्लाई कर देंगे। सिंपली कैसे देख लीजिए अपने शॉर्ट के ऊपर आराम से आप अपने कलर्स को अप्लाई कर लीजिएगा। सिंपली गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जो शॉर्ट के लिए एक कितना हाई एलईडी में मतलब अच्छा लग रहा है एंड दिखने में भी एंड चेंज हो चुका है पूरा रियली तरीके से एंड एक मतलब आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा जिसको ना आपको कोई भी नहीं बताया होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पे आना होगा उस ट्रिक को जानने के लिए। ठीक है, और इस पर क्लिक कर दूँगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है आप लोग देख लीजिए और गाइस मैं इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, मैं क्लिक करूँगा और जो इसका बीच वाला ऑप्शन होगा इसको आप लोग पूरा 100 कर लीजिएगा सिचुएशन को एंड इसका जो ह्यू है देख लीजिए
इस तरीके से आप जो है मनपसंद अपने शर्ट के कलर यहाँ से भी कर सकते हैं, जौन सा भी आपको रखना चाहते हैं। तो मैं सिंपली ए वाला कर लेता हूँ एंड फोटो को डन करूँगा एंड थोड़ा सा मैं अपने लिप्स को रेड करूँगा, थोड़ा सा अपने लिप्स को रेड कर लेंगे। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, लेयर पे आएंगे और प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू लेयर को क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे, नोट पर क्लिक, डार्किन करेंगे, कट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ब्रश पे आएंगे और लेवेरी पे आएंगे और इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करूँगा। मैं इस वाले ब्रश को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड इसमें ऊपर सीन पे आ जाऊँगा। अगर इसका सेटिंग देखने के लिए आपको करना क्या होगा, जो इसका ऑफ सीट होगा आप लोग इसको हंड्रेड कर देगा, इसका जो साइज होगा मैंने भी यहाँ से 14 डिग्री को आया था वो यहाँ से मैं कट कर दूंगा। और इसमें आप क्या करूँगा, सिंपली मैं कलर वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा, मैं कलर पे आऊँगा और यहाँ से मैं सिंपली रेड कलर को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं कट कर दूंगा, लिप्स का जो कलर होता है रेड अच्छा लगता है तो मैं सिंपली अभी रेड कलर को अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा लिप्स का कलर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली किस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली किस, यहाँ पे जो लिप्स का कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। आप लोग घबराइएगा नहीं, जितना हो सकेगा उतना आराम से कीजिएगा। तो लिप्स का कलर आपको रेड करके थोड़ा सा आपको यहाँ पे आ जाऊँगा लेयर पे और यहाँ पे आइएगा इस पे और इसका थोड़ा सा ऑपसिटी को घटा बढ़ा लीजिएगा। तो मैं इसको 14 के करीब कर लेता हूँ। तो देख लीजिए जो लिप्स है बहुत ज़्यादा हाई इंसिटी, मतलब यहाँ पे कलर अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ा सा आप अपने चश्मे का कलर चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा अपने चश्मे का कलर चेंज करना होगा। इसके लिए सिंपली आपको कहना क्या होगा, सिंपली आपको लेयर पे आना होगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू लेयर को क्लिक, इस पर क्लिक करके नोरन पे एंड इसको भी डार्कन करके ड्रॉ कीजिएगा, ब्रश पे आइएगा और थोड़ा सा इसमें भी सिंपली अब गई इसमें ब्रश पे आता हूँ और गई इसमें लेबेरी पे आऊँगा और मैं सिंपली इस बार ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जिससे मैं अपने शर्ट के कलर चेंज की थी, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड इसमें अभी सेटिंग पे आ जाऊँगा। सिंपली मैं सेटिंग पे आऊँगा और इसका जो ऑपसिटी होगा पूरा 100 करेंगे, इसका साइज होगा मैं 15 कर लूँगा और यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ से मैं रेडी कलर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कट कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने चश्मे के ऊपर अपने कलर्स को अप्लाई कर दूँगा, ठीक है, जैसे आपका भाई करे सेम टू सेम आराम से, ठीक है। तो क्या करूँगा, जिसको ना आपको जिसको स्पीस यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भाई को आराम से करना होगा आराम से कीजिएगा, नहीं तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, आपके अपने हिसाब से आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए हो चुका है एंड थोड़ा सा हम लोग इस वाले ऑप्शन पे मतलब इस कलर का मतलब इसका इस तरफ का हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग नॉर्मली तरीके से बहुत ही कम टाइम एंड बहुत ही हाई क्वालिटी में आप लोग चेंज कर पाएंगे। इस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देख लेते हैं, तो ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, इस देख लीजिए अभी आपका भाई सिंपली कर लिया है, ठीक है, देख लीजिए कर लिया है कलर, ठीक है। एंड इस थोड़ा सा हम लोग फिर से आएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे, देख लीजिए अभी आपको यहाँ पे आना होगा, इस लेयर पे आना होगा और इस वाले ऑप्शन पे के लिए बीच वाले को पूरा मतलब 100 कर लेना होगा सैचुरेशन को और ये वाला कलर चश्मे का भी कर लेना होगा और फोटो को डन करना होगा। एंड गाइस अब अपने फोटो को आप लोग सिंपली यहाँ से शेयर कर लीजिएगा एंड इस फोटो को यहाँ से आप लोग सिंपली ओपन कर लीजिएगा यहाँ से मतलब टूल बिज ऐप के अंदर। सिंपली मैं यहाँ से ओपन करूँगा टूल बिज ऐप के अंदर अपने फोटो को, ठीक है। नहीं थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आएंगे यहाँ से गाइस हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मैं इफेक्ट पे आऊँगा एंड गाइस मैं थोड़ा सा सॉफ्ट स्मज पे मैं क्लिक कर दूँगा, मैं क्लिक करूँगा और 4 and 5 नंबर को 6 नंबर को सेलेक्ट करेंगे और मैं मार्क्स पे आ जाऊँगा, मैं सिंपली मार्क्स पे आऊँगा और गाइस मैं क्लीन कर दूँगा, ठीक है, मैं क्लिक दूँगा। और आपको जहाँ पे भी ऑयल पेंट चाहिए अपने हाथ को अप्लाई करते हैं तो ऑयल पेंट आपको वहाँ पे अप्लाई जहाँ पे भी आप करते हैं अप्लाई ना तो वहाँ पे बहुत ही हाई इंसिटी अप्लाई हो जाएगा अभी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आराम से आपको जहाँ पे भी चाहिए गाइस आपको जहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा फोटो को एडिट कर लीजिएगा। एंड गाइस देख लीजिए जो फोटो है ना कितना हाई इंसिटी एडिट हो चुका है। एंड गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए, तो मैं फिर से मिलता हूँ करने वीडियो के साथ, तब तक लीजिए इतना ही।